हेलो स्पोर्टियन, स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अपने तेज गेंदबाजी से दुनिया के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को परेशानी में डालने वाले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान और 2004 में उनका वो पहला पाकिस्तानी दौरा जहां पर ऑफ द फील्ड जहीर खान ने पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को कैसे क्लीन बोल्ड किया था, जिसके बाद खुद शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने भी उनकी तारीफ की थी। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक सवाल है, लाउड एंड क्लियर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दिवंगत बाला साहब ठाकरे जी के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। 2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी और जहीर खान का ये पहला पाकिस्तानी दौरा था, जहां पर एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर ने ऐसा बवाल मचाने वाला सवाल जहीर खान से पूछा, आप हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में रहते हो जहां पर बाला साहब ठाकरे और उनकी हिंदुत्ववादी शिवसेना पार्टी का वर्चस्व है, तो ऐसे में एक मुसलमान होने के नाते आपको वहाँ पर क्या क्या तकलीफें होती है। इस सवाल का जवाब देते हुए जहीर खान ने कहा कि बाला साहब ठाकरे कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, कुछ लोगों ने खुद के फायदे के लिए शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को मुस्लिम विरोधी दिखाया, ठाकरे या उनकी पार्टी शिवसेना कभी भी देशभक्त मुस्लिमों को तकलीफ नहीं देती, जो देश विरोधी काम करते हैं उन लोगों को शिवसेना विरोध करती है। बता दें, जहीर खान के इस जवाब के बाद ना सिर्फ बाला साहब लेकिन उनके लाखों शिवसैनिकों का दिल फिदा हो गया था, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे जी ने मेरा विजन समझने के लिए जहीर खान को धन्यवाद करता हूँ और जहीर तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हो, ये कहकर जहीर की तारीफ भी की थी। तो दोस्तों, बस यही था वो किस्सा। आपको क्या लगता है इस किस्से के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ मेरी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।